प्यार के सिलसिले को यूं ही बुझने ना दिया। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर तो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बोल ही दिया है, बट ये आप सबके लिए एक तोहफा 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 तोहफा। तो इस स्टोरी में, हाँ, स्टोरी स्टोरी जो है वो काबिल है। हमारे हिसाब से हर एक चीज़ को हम नापते हैं, तोलते हैं, फिर बोलते हैं, है ना? ऐसा होता है ना। तो ये मोहब्बत भी नापी तोली और किसने किसने क्या क्या बोला है इस पर डिपेंड है। तो आपको क्या लगता है और क्या आप इससे समझते हैं, क्या सीख लेते हैं, ये तो स्टोरी के एंड में पता चलेगा। तो आइए काबिल पे बात कर लेते हैं। काबिल कौन किसके लिए काबिल है इस स्टोरी में पता नहीं, बट इतना पता है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू जाएगी। ये भी एक रियल बेस्ड लेस्बियन स्टोरी है और देखते हैं क्या सारी स्टोरियों की तरह इसको भी उतना ही प्यार मिलता है जितना बाकियों को आपने दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़े तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। स्टोरी में जैसे कि मैं बता रही हूँ, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको किरदार क्लियर होते चले जाएंगे। पहले से नो इंट्रोडक्शन, नो टाइप ऑफ तरीकास, कुछ नहीं बताने वाली। अब स्टोरी सुनते सुनते आपको सारी चीज़ें पता चलती चली जाएंगी। तो हम शुरू करेंगे पहली किरदार से। पहली किरदार जो है हमारी ऋषि, वो लड़की है, कोई कंफ्यूज ना हो, ऋषि एक लड़की है, समझ के आप सब। उसका नाम बस ऋषि है, ठीक है, ऋषि सिंघानिया। और वो अपनी फैमिली में लाडली है या नहीं है वो तो आई डोंट नो। उसकी फैमिली में उसके माँ पापा भाई बहन सब हैं, बट ऋषि जो है सबसे छोटी है। ऋषि एक ना बड़े खुद को खुद में ही जीने वाली लड़की होती है। उसको किसी से मतलब नहीं, किसी के आने से किसी के जाने से कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक बात होती है, उसकी माँ से उसकी हमेशा अनबन होती रहती है, जिसकी वजह से वो रहती अपने बहन के पास है। और उसकी पूरी पढ़ाई जो भी कुछ है वो अपने बहन के साथ रह के की हुई है, उसके ससुराल में रह के। और उसके ससुराल में उसकी बड़ी बहन, उसके जीजा जी, बस इतने ही लोग, और वो बस इनफ लोग। और बड़ी दीदी का एक प्यारा छोटू सा बेबी होने वाला होता है। ऋषि जब तक पढ़ाई करती है, जब तक स्कूलिंग करती है, वो उन्हीं कैसे करती है, तब तक उनका बेबी भी हो चुका होता है और उसका नाम अंश रखा हुआ होता है। दीदी का नाम दीदी ही समझ लो, जीजे का नाम जीजा ही समझ लो, क्योंकि उनका नाम मैं थोड़ा सा नहीं बताना चाहूँगी, बट अंश और ऋषि और दीदी और जीजाजी, ये इनकी फैमिली होती है। उनकी जैसे कि ऋषि अपनी माँ से बात नहीं करती है, अपनी फैमिली में ज़्यादा किसी मतलब किसी भी मेम्बर से कनेक्ट नहीं करती है, बट अपनी बहनों से बेअंतहा मोहब्बत करती है। इसकी लाइफ इतनी ही है और उसकी ज़िंदगी तब बदलती है कि उसकी उसका स्कूल पूरा होता है और उसको भेजा जाता है अपने घर से कहीं और, किसी और शहर में रहने के लिए, जहाँ पे वो स्टडी के लिए
जाती है। और कहीं नहीं, सबको पता है कि वो जाती है आगरा। आगरा अपने स्टडी के लिए जाती है, उनके फैमिली वाले उनको भेजते हैं कि यहाँ पे जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। वहाँ जाती हैं हमारी ऋषि। जब वो रहने के लिए जाती हैं तो उनकी कज़न्स होती हैं उनके साथ रहने के लिए। वो अपने कज़न्स के यहाँ जाके रहती हैं। उनकी कज़न्स में एक हरिया होती हैं, एक गीत होती हैं और दूसरी होती हैं जो ऋषि और गीत के बाद जो गीत जो होती हैं ऋषि से बहुत इनकी बातचीत होती है। और रिया जो बड़ी बहन होती हैं और एक और उनकी छोटी सिस्टर होती हैं सिंपल। जो सिंपल होती है वो काफ़ी ज़्यादा बातूनी होती है तो उससे वो ज़्यादा बात नहीं करती, मगर जो गीत होती है और ऋषि की बात काफ़ी ज़्यादा होती है फैम मतलब एक दूसरे से बैठ के। वहाँ पे वो जाती है तो एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पे उसकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है। होता है ना रियल स्ट्रगल जो होता है, वहाँ पे उसकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे जो शिया होती हैं जो उनकी कज़न होती हैं उनकी फैमिली मतलब थोड़ी सी फ्री माइंडेड होती है और उनके फैमिली में बॉयफ्रेंड फ्रेंड को लेके कोई इशू नहीं होता। और जो गीत होती है उसका भी बॉयफ्रेंड होता है और सिंपल होती है, वो तो छोटी होती है। बची हमारी ऋषि। ऋषि जो होती है वो हमेशा से चुपचाप खुद में ही रहने वाली। उसको अपनी ज़िंदगी में बस एक चीज़ चाहिए होता है कि उसे बस अपने गोल को अचीव करना है। जो ऋषि होती है बस अपने गोल पे फोकस करती है, वो इधर उधर कहीं नहीं देखती। और जो सिंपल होती है वो थोड़ी सी बातूनी होती है तो उसकी वजह से वो कभी कभी इरिटेट हो जाती है। तो ज़्यादातर हमारी जो ऋषि होती है अकेले बैठना अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करती है। तो एक दिन जैसे ही वो बैठी होती है तो रिया आके पूछती है कि क्या हुआ ऋषि, सब ठीक है ना, तू अकेली क्यों बैठी रहती है? तो कहती है कि बस यूं ही थी, मन नहीं करता। तो कहती है कुछ ऐसा हुआ है क्या कि तू मतलब कुछ बोलना चाह रही हो और बोल नहीं पा रही है? तो ये देखिए नहीं दी, मैं बस इतना चाह रही हूँ कि मेरे लिए कोई छोटी सी जॉब देख दो, पढ़ाई के साथ साथ मैं जॉब भी कर लूँगी। तो कहते कि ठीक है मैं देख के बताती हूँ। तो कहते कि जी दी। और ऐसी इसकी ज़िंदगी चलने लगती है। तो ज़िंदगी चलने लगती है, उसकी दोस्ती एक धीरे धीरे ज़िंदगी में बढ़ने के बाद वो दोस्ती ही होती है। उसकी दोस्ती एक लड़के से होती है, उस लड़के का नाम अभिषेक होता है। अभिषेक काफ़ी अच्छा और जेन्युइन लड़का होता है, मगर वो किस नज़र से ऋषि को देखता है ऋषि को नहीं पता और ऋषि ने कभी पूछा भी नहीं। वो एज अ फ्रेंड बात करती है सिर्फ कैजुअल मोड पे। मगर हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ कि ऋषि जो है बायसेक्सुअल है, और आप सबको पता ही होगा बायसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे उसकी ज़िंदगी चलती हुई होती है। अब हाँ उसको ये पता है कि नहीं पता है ये स्टोरी में आगे आपको पता चलेगा। वो अपनी ज़िंदगी मसरूफ़ हो जाती है, उसकी ज़िंदगी ऐसे चलने लगती है। तो वो जॉब करती घर आती, फिर घर पे बड़ी दीदी से बात होती है और फिर खाना पीना होता और वो अपने थोड़ी देर फ्रेंड से बात करती और फ़ोन रख के सो जाती। ऐसे ही उसकी लाइफ कुछ वक्त तक रूटीन होती रहती। कुछ वक्त बीता, कुछ साल बीते और उसका मतलब कुछ मंथ बीते, साल नहीं बीते मंथ बीते, तो उसका कॉलेज स्टार्ट हो गया। उसने ज़बरदस्ती
जो हमारी गीत होती हैं उसकी उसका एडमिशन अपने साथ करवाती है, और वो एडमिशन साथ करवाती है, कहती कि अपन देख लेंगे यार, चल साथ में पढ़ते हैं। वो एडमिशन ले तो लेती है और वहाँ से उनकी ज़िंदगी बदलना स्टार्ट होता है। फिर वहाँ से एक नई जगह पे शिफ्ट होते हैं, मतलब मैं नागरा में रहते हुए एक फिर से थोड़ा सा आगे नोएडा साइड जाके शिफ्ट होते हैं। तो फिर वहाँ पे अपना कॉलेज स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे तो उनके कॉलेज स्टार्ट रहता है और वो पढ़ाई करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। एक दो साल बीतता है और इधर मेडिकल इन लोग एक दो साल बीतता है। फिर कॉलेज में ऐसे ही कुछ टाइम बीतने के बाद हमारी जो ऋषि के कुछ नए फ्रेंड बनते हैं, उन लोगों ने उनको सजेस्ट किया होता है कि उसका भी बॉयफ्रेंड होना चाहिए, जो कि ऋषि को लगता नहीं है कि हाँ कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए। बट जो अभिषेक होता है उसको एक दिन वो पूछती है कि क्या तू मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, तो कहता है कि हाँ ठीक है। तो जो अभिषेक होता है कभी भी इन दोनों ने आमने सामने बैठ के बात नहीं की होती है, जब भी कॉल पे ही और वीडियो कॉल पे ही बात हुई होती है इन दोनों की, और इतना ज़्यादा कभी वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हुए होते हैं फ्रंट फेस टू फेस। तो वो हाँ कर देता है, शायद अभिषेक के दिल में ऋषि के लिए कुछ था। तो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे वक्त 2 साल बीत जाते हैं, फाइनल ईयर में ऋषि आ जाती है और ऋषि के ज़िंदगी में उस ज़िंदगी में एक इंसान की एंट्री होती है, जो गीत होती है, गीत और अब ऋषि दोनों बात नहीं करते, और गीत कहीं और रहती और ऋषि कहीं और रहती। और थर्ड ईयर में आने के बाद सॉरी सेकेंड ईयर में आने के बाद ऋषि बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लगती है, क्योंकि उसको ना नींद आती ना वो सोती, उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या चल रहा होता है वो किसी से कह भी नहीं पा रही होती है। उसी वक्त उसके लाइफ में एक मतलब इंसान की एंट्री होती है, वो जहाँ पीजी में रहती है वहाँ पे वो अकेले उस रूम में रहती थी, तो उसको एक रूममेट की ज़रूरत थी क्योंकि वो अकेले उस रूम का रेंट अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए ऋषि ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी या ऐसा कुछ, ऋषि अपने घर वालों से पैसा मांगना नहीं चाहती थी, इसलिए ये सब चीज़ें होती थी उसके साथ। तो उसके साथ एक रूम में जो पीजी में रहती थी तो वो वहाँ पे अकेली रहती थी, तो अभी एक लड़की आती है, रूम देख के जाती है और अचानक से वो 2-3 दिन में ही शिफ्ट कर जाती है। इधर ऋषि कॉलेज गई हुई है और रूम की चाबी दे के सामने वाले रूम पे दे के जाती है कि दी मेरे रूम में एक और पार्टनर आ रही है, उसको आप ये चाबी दे दीजिएगा, ऐसे बोल के वो कॉलेज चली जाती है। ऋषि कॉलेज जाने के बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं गीत से अब इंट्रैक्शन होने लगा होता है, वो बात करने लगी होती है अपनी कज़न से, और मगर ज़्यादा नहीं कभी। और लास्ट ईयर में वो धीरे धीरे बातें बढ़ने वाली होती हैं, बट अब बीच में स्टोरी है, उसमें क्या स्टोरी है, उसमें भी एक स्टोरी है, तो आप सब सुनिए और आपको फिर देन पता चलेगा कि क्या स्टोरी है। इधर ऋषि अपनी पढ़ाई को लेके काफ़ी टेंस होती है और उसके ज़िंदगी में भी एक इंसान ने दस्तक दी होती है। ऋषि जैसे ही कॉलेज उसका ऑफ होता है, शाम को घूमते घामते वो पहुंचती है अपने रूम पे, तो देखती है कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, एकदम नीट एंड क्लीन, क्योंकि ऋषि खुद काफ़ी साफ़ सुथरा चीज़ें रखती हैं। बट उस दिन वो कमरे का हाल बेहाल हो चुका था, सब चीज़ जल चुका था और ऐसे ही फैला के जल्दी जल्दी में वो कॉलेज भाग चुकी होती है। और
वो जिस लड़की से मिलती है उस लड़की का नाम सुप्रिया होता है। सुप्रिया ज़्यादा सुंदर तो नहीं होती है मगर हाँ अट्रैक्टिव होती है, और वो ये पहली बार उसको देख के उसको अट्रैक्शन फील होता है। मतलब जो होता है ना कि आप किसी के मनचाहा काम कर दो तो उसको जो खुशी मिलती है वो वाली, लाइक हमारे ऋषि को खुशी होती है तो उसको अच्छा लगता है कि अच्छी है यार, इतनी बुरी भी नहीं है। ठीक है, शक्ल और पर्सनालिटी से क्या लेना देना, बट अच्छी है। वो खुश हो जाती है और रोज़ उसका कॉलेज आना, फिर जाना आना जाना ये चलता रहता है। ये धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी यूं कह ले बदलने लगी होती है, और वो कहीं ना कहीं जो शुभ्रा की बातें होती हैं कहीं ना कहीं हमारी ऋषि उस पर भरोसा करने लगी होती हैं, उसके तकलीफ़ को समझने लगी होती हैं। हमारी जो मैडम होती हैं सुप्रिया, वो एज में काफ़ी बड़ी होती हैं हमारी ऋषि से, और ऋषि जो होती हैं एज में छोटी होती हैं। और जो हमारी जो सुप्रिया होती हैं उनको यूँ कह ले उन सुप्रिया का जादू ऋषि पर चल चुका होता है, और जहाँ पे उन्होंने खुद अपने फ्रेंड को बोला होता है कि तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जा, इन दोनों में रिलेशनशिप होता है बट वो कभी मिले नहीं होते हैं। कभी भी अभिषेक उससे मिलने नहीं आया होता है, कभी मतलब ये होता है इतने वक्त बीतने के बाद भी, 5 साल बीतने के बाद भी वो उसका फ्रेंड होने के बावजूद भी कभी उससे मिलने नहीं आया होता है, ना ही उसके बर्थडे, ना ही न्यू ईयर, ना कुछ भी। तो ऐसा मतलब वो रिलेशनशिप रहता नहीं है एज अ फ्रेंड, ये अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए कि हाँ मेरा भी बॉयफ्रेंड है। ऋषि ने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया होता है अपने फ्रेंड को, बट उसको जेन्युइन प्यार किसी के लिए फील होता है तो वो सुप्रिया के लिए फील हुआ होता है। इधर सुप्रिया जो होती है दिन प्रतिदिन ऋषि से घुलने मिलने लगती हैं, दोनों साथ में बैठने लगते हैं, बात करने लगते हैं, एक दूसरे को हाव भाव नोटिस करने लगते हैं। तो हमारी जो ऋषि जो होती हैं उनका संडे होता है वो रूम पे ही होती हैं, तो हालांकि वो ऑलवेज ही अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती मारने चली जाती हैं बट उस दिन संडे होता है तो वो नहीं जाती हैं और वो रूम पे ही रहती हैं। तो हमारी जो सुप्रिया होती हैं वो अचानक से रोते हुए आती हैं, और जो हमारी ऋषि होती हैं वो अपना फ़ोन चला रही होती हैं, वो रोते हुए आते हुए देखती हैं सुप्रिया को, तो एज अ कंसर्न कहती हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है? तो जब वो खड़े हुए पूछ रही होती हैं उनसे तो उनको वो हग कर लेती हैं। पहली बार किसी ने इस तरह से ऋषि को हग किया हुआ होता है, वो पहली बार ऐसी फीलिंग जो उनके दिल में हलचल मचा रही होती है कि वो अपने हाथ को उठाती फिर नीचे कर लेती, फिर अपने हाथ को उठाती फिर नीचे कर लेती। हमारी जो ऋषि होती हैं उनके पहनने, बात करने का तरीका, जीने का तरीका एकदम सिमिलर होता है, थोड़ा सा बॉयज टाइप होता है। मतलब वो टी शर्ट लोअर या ऐसे कपड़े ज़्यादा कैरी करती हैं, शर्ट वगैरह तो। और बट प्रॉब्लम बस ये होती है कि वो अपने लॉन्ग हेयर रखती हैं और वो अपने बालों को कटाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करती, तो वो बार बार हाथ को ऊपर उठाती फिर नीचे कर लेती, फिर ऊपर उठाती फिर नीचे कर लेती। और उनको उनकी गले लग के सुप्रिया रो रही होती है तो उनको रोने देती हैं, फिर उनको अलग करती हैं खुद से, और बार बार वो कोशिश कर रही होती हैं कि वो
अलग कर दे सुप्रिया को, वरना कुछ गलत हो जाएगा। और वो फाइनली थोड़ा सा अपने से सुप्रिया को अलग करती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ बताओगी ज़रा, जब तक तुम बताओगी नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। मगर हमारी जो ऋषि होती हैं उनका ध्यान उनके लिप्स पे रहता है और वो बोल नहीं पा रही होती हैं, वो रोए जा रही होती हैं, और हमारी जो ऋषि होती हैं वो उनके लिप्स पे देखे जा रही होती हैं। और हमारी ऋषि जो होती हैं कि वो बार बार पूछते हुए उनके बार बार उनके लिप्स वो अट्रैक्ट कर रहा हुआ होता है, और वो ऑलरेडी उनके गले लग के हलचल मचा चुकी होती है क्योंकि पहली बार कोई उनके गले लग के ऐसे लिपट के कोई रो रहा होता है। तो ऋषि का कंट्रोल खुद से छूट जाता है और वो किस कर डालती हैं सुप्रिया को, और वो किस थोड़ी सी डीप और थोड़ी सी डीप और थोड़ी सी और डीप होती चली जाती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ऋषि ने क्या ये सही किया या ऋषि का ये तरीका सही था। आपको क्या लगता है? बाय, टेक केयर।